डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी माध्यम के पहले लेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हु डिड पैट्रिक होमवर्क, आइए हम इस पार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क, क्या तुम होमवर्क करना पसंद करते हो। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुम इसे स्वयं करते हो। आर डू यू गेट हेल्प, या तुम इसे किसी की मदद से प्राप्त करते हो। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, करा कि कौन सा होमवर्क, कौन सा गृह कार्य तुम आमतौर पे तुम्हारे पास होता है जो तुम करते हो। तो हु डिड पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को किसने किया, यानी कि पैट्रिक को होमवर्क कौन करता है, तो इस लेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। हु डिड पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक्स के होमवर्क को किसने किया। देखिए, पहला पैराग्राफ जो मैं मीनिंग के साथ आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, बच्चे आप ध्यान से इसे देखेंगे। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी गृह कार्य नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, उस वह कहता था कि ये जो होमवर्क है वह टू बोरिंग है, बहुत अधिक उबाऊ है, बहुत अधिक परेशान करने वाला है, इसे वह करना नहीं चाहता था। बल्कि इसके बदले में ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल, वह हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था एंड नाइटिंडो इंस्टेड, इसके बजाय। वह नाइटिंडो अर्थात एक वीडियो गेम होता है, नाइटिंडो का अर्थ होता है वीडियो गेम के से लिया गया है, तो नाइटिंडो अर्थात वीडियो गेम खेलता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके अध्यापक ने उससे कहा, अर्थात उसके अध्यापक उससे कहे, पैट्रिक पैट्रिक डू योर होमवर्क, आर यू नॉट लर्न एनीथिंग। पैट्रिक, तुम अपना होमवर्क करो, अन्यथा तुम कोई चीज़ सीख नहीं पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सही था। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सही है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस, कुछ समय वो अपने आप को इग्नोरामस महसूस करता है, यानी कि कुछ समय अपने आप को वह इग्नोरामस महसूस करता था। इग्नोरामस का अर्थ होता है ए पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, यानी कि वह व्यक्ति जिसको जो है शिक्षा के बारे में कुछ पता ना हो, अर्थात उसके पास नॉलेज की कमी हो, उसको बोलते हैं इग्नोरामस। तो वह अपने आप को इग्नोरामस महसूस करता है। फिर बट वाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता। ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क से घृणा करता था, यानी कि वह होमवर्क नहीं करना चाहता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, एक दिन उसने पाया, एक दिन उसे प्राप्त किया, एक दिन देखा। देन ही वन डे ही फाउंड, एक दिन पाया हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, उसके जो कैट थी अर्थात जो बिल्ली थी वह एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वह उसे ग्रैब्ड कर लिया। ग्रैब्ड का अर्थ होता है छीनना, स्नैच्ड, ठीक है ना, छीनना। टू हिज सरप्राइज, और टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल, कह रहा कि टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल और एट ऑल, कह रहा कि जब उसने देखा तो वह जो है एक प्रकार से डॉल नहीं था, बट ए मैन ऑफ ए टीनियस साइज, बल्कि एक बिल्कुल छोटा साइज का, बिल्कुल छोटे आकार का एक व्यक्ति है। ही हैड ए लिटिल ओल शर्ट, उसके पास छोटा सा लिटिल ओल शर्ट, उन्हीं जो एक शर्ट था, एंड विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज, और छोटी छोटी जो है पतलून अर्थात जो पैंट, छोटी छोटी आकार के पैंट्स थे। एंड ए हाई हाई टाल हैट मच लाइक ब्रीचेज, और लंबा और बड़ा हैट अर्थात एक उसके पास टोपी, मच लाइक अ विचेज, जो चुड़ैल की तरह दिखता है। ही एल्ड, उसके बाद उसने चिल्लाया जोर जोर से, जो एल्ड मैंने होता है चिल्लाना, एल्ड मीन्स चिल्लाना। ब्रीचेज का अर्थ क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ब्रीचेज का अर्थ होता है शॉर्ट ट्राउजर, ठीक है ना, मतलब जो छोटे छोटे जो है आकार के होते हों पैंट की तरह से होता है, उसको हम ब्रिचेज बोलते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ही एल्ड, उसने चिल्लाया, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू कैट, मुझे पुनः उस बिल्ली को जो है वापस मत दो, अर्थात आई विल ग्रांट यू विश, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस यू दैट मैं ऐसा तुम्हारे साथ करूँगा, अर्थात अगर तुम हमें ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ ये वादा करता हूँ कि मैं ये वादा पूरा करूँगा। तो इस वीडियो में मैं दो पैराग्राफ के हिंदी वर्जन को मैं बता दिया हूँ,
तीसरे और चौथे पैराग्राफ के हिंदी वर्जन को मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।